हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं लंच के लिए बाहर। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि भाई नीचे वेट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ और मुकेश जी मस्त एकदम रेडी हो गए। ट्रेन कोई आ रहा है अभी, भाई बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। कहाँ पर है, कितनी दूर हो रहा है? दूर तो तकरीबन 15 किलोमीटर। एंड जगह का नाम तो नहीं है, जगह का नाम पता नहीं है। यहाँ से ग्वांजो में है, यही है, नानसा में ही है, नानसा के नानसा के अंदर ही है। ग्वांजो में एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें सारी चीज़ें वेज मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो गाइस हम जिनका वेट कर रहे थे वो आ गए। वो कुछ लेकर आए हैं भाई के लिए, पता नहीं क्या डब्बे में। अरे तो अरे हाँ मुकेश जी, एक्चुअली आप है ना, है मैं लेने का सामान ता जान आ को सैदा दैदा तुम क्या सैदा आप पता है ना देखो सामान हमारा तो पापा है हमारा का सामान ता जान आ। कांग्रेचुलेशन, यू बिकम मौसी। कभी जब इकरे जो कभी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए बुद्धा रेस्टोरेंट। बुद्धा रेस्टोरेंट ये है। तो गाइस पहुंच गए हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और ये देखो रेस्टोरेंट। तो गाइस यहाँ पर ये बुद्धा डीवीडी है ये। अच्छा, बुद्धा कैफे के नाम से है ना ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें वेज है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना टोकन लिया। ठीक है, टोकन लेने के बाद हमने टेबल पे गए। टेबल के बाद यहाँ पर कल कर हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हमें पिक्चर ले। तो मुकेश जी ने तो ले लिया, क्या लिया आपने? टोफू। ये है, ये आलू के पत्ते हैं। आलू के पत्ते? ये आलू के पत्ते हैं क्या? आलू के पत्ते? हाँ ये आलू पत्ते, वो मीठे आलू ना। तुम्हें स्वीट पोटैटो टोफू। ये है टोफू। ये नूडल्स, ये फ्राई राइस, ये क्या है, ये क्या है, ये भी कुछ वेज है, ये भी वेज। ये पोटैटो, ये है आलू, ये आलू के ये बगल में पनीर, बल टोफू। यहाँ पर स्वीट्स में भी कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी मिठाइयाँ। ये जेली मिठाइयाँ, इनके नाम नहीं पता हमें, बस इनका बताया कि कुछ है ये। ठीक है, और यहाँ पर कद्दू की सब्जी, बीन, बैंगन, ये पत्ता गोभी, ये आई गोभी है, ग्रीन मिक्स है, ये भी ग्रीन वेज में कुछ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इधर। कल देखो भिंडी ऐसी साबुत बॉइल करके रखी हुई है। ये मतलब कैसा है सैलेड, जैसे मिर्ची, मूंगफली, बीन, सैलेड, ये कुछ सी फूड भी है। ये घास है जो समुद्र में होती है। लो, तो मैं तो अपनी प्लेट लेके आ गया, पूरी प्लेट भर के अभी खाते हैं। तो अभी हमने खाना खा लिया है, अपनी प्लेटें भी रख दी,
आप चल रहे हैं खादुन में। अच्छा ये यहाँ पे रेस्टोरेंट खत्म हो गया, यहाँ से मॉल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मुकेश जी कह रहे हैं गद्दे लेने, यहाँ पे सारा फर्नीचर का सामान है। तो गाइस यहाँ पर देखो एक ड्रैगन है, ये लकड़ी का है क्या? तो गाइस ये ड्रैगन है और ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, पूरा लकड़ी का बना हुआ आगे से पीछे। अगर तो बना रखा है ये कैसा है मतलब हमें भी नहीं पता, और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्या लिखा हुआ। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा, पूरा एकदम सजा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या था कि ज़्यादातर जो सामान है वो फर्नीचर वगैरह लकड़ी वगैरह का मिल रहा था, तो इस चीज़ का बना होता है इस लकड़ी का, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ तो बस वही है, तो उसका उन्होंने एक ड्रैगन बना रखा है वहाँ पे एकदम मस्त शोपीस में रखा हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पर इसको पूजा भी जाता है, जैसे हमारे यहाँ पूजते हैं ना, हमारे यहाँ तो सभी चीज़ को पूजते हैं, लकड़ी, जल, पानी, हवा, सब चीज़ को। तो यहाँ पर भी इसकी पूजा वगैरह करते हैं जो भी है मतलब थोड़ा बहुत। तो अभी चलते हैं, तो अभी चलते हैं रूम पे, घर पे। तो गाइज अभी फाइनली पहुंच गए हम रूम पे, अब चेंज करते हैं, सोते हैं, थकान लग गई है। आज का वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, काफ़ी ठंडा लग रहा है। मन कर रहा है धूप में जाने का, लेकिन धूप में जाते ही गर्मी लग रही है। तो अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।